दोस्तों, आज हम लोग फिर चलते हैं त्रिशा के घर में। त्रिशा अपने आज घर में क्या कर रही होगी, खेल रही होगी कि पढ़ाई कर रही होगी, चलो उसके घर में चलकर देखते हैं। नॉक नॉक, कोई आया घर में? स्वागत है। क्या कर रही थी आप? पढ़ाई कर रही थी। अरे दिखाइए दिखाइए। वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर बॉक्स है आपका। वो बॉक्स ही इतना सुंदर है तो इसके अंदर और सब कलर कितने सुंदर होंगे। वो बहुत ही सुंदर है, जल्दी जल्दी दिखाओ, मैं तो देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। क्या क्या है इसके अंदर? ओ, इतने सारे कलर। ओ, क्या क्या है ये त्रिशा? पेंसिल कलर। अच्छा। वाटर कलर का ब्रश। हाँ। इरेजर, शार्पनर, इरेजर। हाँ। पैलेट्स टू। ओके। और ये वाटर कलर। अच्छा, और है कुछ? अरे वाह, ये ऐसे भी हो जाता है? कैसे कैसे? अरे वाह, ये ऑयल कलर, ये वाटर कलर। इधर भी हैं? अरे वाह, स्केल्स। ठीक है, ये डिफरेंट कलर कौन कौन से हैं आपको पता है क्या? हाँ। आपको नाम पता है? हाँ। कितने कलर्स के नाम पता? ब्राउन, पिंक, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो। अच्छा, और फिर उनके ये डिफरेंट शेड्स हैं, है ना, उन कलर के। ठीक है, और ये वाटर कलर में कौन कौन से हैं? वाटर कलर भी तो इतने सारे हैं। वाह, वाटर कलर में रेड, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, पिंक, वाइट, ग्रे, ग्रे, ब्राउन, डार्क पिंक, इतने सारे कलर हैं कि आपको कलर का नाम ही नहीं पता है। व्हाइट, व्हाइट, ब्लैक, है ना, इसी Brown. तरह। हाँ, इसी तरह आपके इतने सारे ऑयल पेंट हैं, है ना, इतने सारे वाटर कलर हैं। वाह वाह, क्या क्या है इसमें वाटर कलर? एक तो खुला रखा है। नहीं, खोलना नहीं है, पहले से खुला। देखो इसमें सबके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बंद बंद कीजिए उसको, बंद कीजिए। कौन कौन से कलर हैं, डिफरेंट कलर्स के नाम देखते हैं, दिखाइए, है ना। जैसे ये है ब्लू, है ना, ठीक है। ये कौन सा कलर है? ये है वायलेट, ठीक है। ये भी ब्लू का ही एक वेरिएंट है, है ना, थेल्मो ब्लू लिखा हुआ है। और ये है डीप ब्लू। ये कौन सा कलर है? स्काई ब्लू। ये है सेरुलिन ब्लू। स्काई ब्लू है। हाँ, देखते हैं कि किस में लिखा हुआ है स्काई ब्लू। ये कोबाल्ट ब्लू है। कौन सा है? कोबाल्ट ब्लू। हाँ, आपके पास इतने सारे हैं लेकिन आपने कलर ही नहीं, कलर के नाम ही नहीं जानती हैं। ये कौन सा कलर है? ये है डीप ग्रीन, ठीक है। ये कौन सा कलर है? ये विरिडियन। ये पेल ग्रीन। ये कौन सा है? एमराल्ड ग्रीन। वाह, इतने सारे कलर, मुझे तो अभी आज तक पता ही नहीं था कि इतने कलर होते हैं। ये सैप ग्रीन। ये लेमन येलो। ओ, कलर ही कलर, इतने कलर होते हैं। येलो ऑर्क। ये है ऑरेंज। बच्चों देखो कितने सारे कलर होते हैं। ये मीडियम येलो। गैम्बोज, गैम्बोज नाम का कलर होता है, कभी किसी ने सुना था? ये वर्मिलियन।
ये तो मुझे सेवैयाँ पता थी वर्मिलियन होता है, वर्मिलियन कलर भी होता है। सेवैयाँ तो खाने में बहुत मज़ेदार होती हैं, खाई हैं आपने सेवैयाँ? ये रोज कलर है। ये स्कारलेट कलर है, ये क्रिम्सन रेड है, ये वनडे ब्राउन है, ब्लंट सियाना है, ये बर्नट अंबर है, सॉरी बर्नट है, ब्लंट नहीं बर्नट, ये टाइटेनियम वाइट है, और ये लैम्प ब्लैक है। इतने सारे कलर देख के मज़ा आ गया। मैं तो इसमें से बहुत सारे कलर हैं ना जिनके नाम पहली बार सुना हूँ। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर ब्रश भी हैं इस पे। पहले मैंने इसमें कलर, ठीक है, ओके। चलिए अब आप दूसरी चीज़ दिखाइए। और क्या कर रही थी आप? लगता कोई किताब खोली हुई तो कुछ पढ़ाई कर रही थी बेटा। अब उनको अपने जगह पे जमा के अब हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है ना? बहुत ही सुंदर। तो त्रिशा जी आप कुछ पढ़ भी रही थी, क्या पढ़ रही थी आप? क्या है ये पहले यहाँ से बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? महीनों वेरी गुड, महीनों के नाम पढ़ रही थी आप। जा क्या लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे पढ़ें? एक वीस वर्ष, वर्ष एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। हाँ एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। हाँ और वर्ष को अपन साल भी कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि एक साल में कितने महीने होते हैं तो क्या कहेंगी? एक 12। तो साल में भी 12 महीने और वर्ष में भी 12 महीने, ठीक है ना? साल और वर्ष दोनों एक हैं, ठीक है। अब कौन कौन से महीने होते हैं ये पढ़ेंगे, पढ़ के बताइए मुझे नाम। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। वेरी गुड, ये 12 हो गए। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है? जनवरी हाँ मई मार्च मार्च जनवरी मार्च मई जून जुलाई, देख के पढ़े। हाँ अगस्त अक्टूबर और दिसंबर। कितना था क्या लिखा हुआ देख के बता। 31 हाँ 31 दिन होते हैं। हाँ 31 को हिंदी में क्या कहते हैं? 31 ठीक है। अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? फरवरी में 30 या 29 दिन होते हैं। 30 लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ें। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? 28 को हिंदी में कहते हैं 28 या 29 और हिंदी में 28 या 29 दिन होते हैं, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? अप्रैल जून सितंबर, अप्रैल जून सितंबर हाँ और नवंबर में 30 दिन होते हैं। 30 को क्या कहते हैं? 30 30 है ना, ठीक है। ये एक कविता भी है कि किस महीने में कैसा मौसम रहता है उसको बताने के लिए, पढ़िए भला। जनवरी फरवरी मार्च आगे क्या लिखा है यहाँ पे? ये क्या लिखा है? अरे बेटा पहले का लिखा है ना, जनवरी फरवरी मार्च का महीना। जनवरी फरवरी मार्च का महीना ठंडा ठंड से हो जाए मुश्किल जीना। हाँ फिर से पूरी लाइन पढ़ें। ठंड से यहाँ से पढ़ें तब तो जनवरी फरवरी मार्च
का महीना ठंड से हो जाए मुश्किल जीना। वेरी गुड। जनवरी फरवरी मार्च का महीना ठंड से हो जाए मुश्किल जीना। अब नीचे वाली लाइन क्या है? जब एक जब आए अप्रैल मई और जून का महीना। का महीना कहाँ लिखा है? देख के पढ़ना है। जब आए अप्रैल। ये आपके आपके छोटे भाई हैं क्या? ये कहाँ से आ गए? ये अतिक्रमण करने आ गए हैं भाई। ये अतिक्रमणकारी आ चुके हैं। ये बीच में अब सब बैंड बजा देंगे। ओ बैंड बजाने वाले, बैंड बजाने वाले, ये किसका केस लाए हैं? ले 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 लो 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 लो। चलो हो गया। इसलिए आवाज़ की सभा बीच में समाप्त की जाती है क्योंकि व्यवधान उत्पन्न करने वाले पहुंच चुके हैं। इसलिए सबको बाय बाय बोलो। त्रिशा।